गुड इवनिंग, आपका स्वागत है हेल्थ टिप्स के एपिसोड नंबर 14 में। भारत के कई हिस्सों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं के चलते मौसम काफी सुहाना हो चुका है, लेकिन बारिश का सीजन जहां लोगों को गर्मी से राहत देके सुकून के कुछ पल देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपने साथ ऐसी कई बीमारियां भी लेकर आता है जिसमें अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरती तो आप गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में अगर आप सेहतमंद यानी कि हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट से कुछ चीजों को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका बारिश में सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बारिश के दिनों में इन चीजों से झट से बना लें दूरी। वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है और ये हर मौसम में खानी भी चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों से जितना हो सके दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि इन सब्जियों में बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऐसे में इस मौसम में इनके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में जंक फूड से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। दरअसल बारिश के दिनों में पाचन तंत्र यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा हो जाता है। ऐसे में फास्ट फूड को पचाने में दिक्कत होती है और वहीं सड़क किनारे मिलने वाली चाट पकोड़े से मलेरिया का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में जितना हो सके जंक फूड से उतना दूर रहिएगा। मॉनसून के सीजन में ज्यादातर लोगों का मन तली और भुनी और मसालेदार चीजें खाने का करता है, लेकिन ऐसा खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता क्योंकि इससे पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, जिससे आपको अपच और लूज मोशन जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बरसात के मौसम में सी फूड से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। दरअसल ये मौसम मछली के प्रजनन का समय होता है और बाजार में मिलने वाली जो मछली होती है वो ताजी नहीं होती, ये फ्रोजन या प्रिजर्वेटिव्स डालकर बेची जाने वाली मछली होती है। ऐसे में इसका सेवन करना आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इस मौसम में कच्चा खाना जैसे कि सैलेड आदि खाने से बचना चाहिए। दरअसल इसके सेवन से आपकी सेहत पर काफी भारी असर पड़ सकता है, इससे संक्रमण होने का खतरा भी बना रहता है, जबकि खाना जो है पकाकर खाने से हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिलने वाली जानकारी को आप सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे बल्कि इसे अपने सभी दोस्तों आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं इसी समय रात के 8 बजे अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।